हाँ बेटा, पढ़ाई पर ध्यान करही, कल खाते पर पैसा चला जाएगा। कॉलेज के फीस जमा कर दिया बेटा, हमारा खाइयो। पागल हो जी? हाँ। कॉलेज फीस मांग रहे? हाँ ठीक है, कल भेज देंगे। दिन प्रतिदिन घर का खर्चा बढ़ता है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। कुछ न कुछ जुगाड़ करबो ना। ठीक है, देख। थोड़ा सा आप उदास दिखाई दे रहे हैं जी, क्या बात है? हाँ थोड़ा सा परेशान है ये। की है तेरा दिक्कत इस बार? कोई बात के दिक्कत हो तो बोल, माता थम कर सके हो। हाँ खर्चा घर के कारण थोड़ा परेशान है। घर का खर्चा में आपको क्या परेशानी हो रहा है? बेटा के पढ़े लगी भेजाइए दलियो, खर्च बढ़ेगा। हमारा समझ में आवा को कि हम कहाँ से खर्चा की करियो। खेती तो ज़्यादा कर नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास में जमीन कम है, तो और इससे कोई खास कमाई तो होता नहीं। हाँ तो तुम परेशान क्यों है? इसका भी तो समाधान हो सकता है। तू चाहे तो तार का पेड़ से भी अच्छा कमाई कर सकता है। ताड़ी तो बेचिए रहा हूँ, तार के पेड़ से अच्छा कमाई कहाँ हो रहा है? हाँ मैं ताड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ ईश्वर, मैं नीरा की बात कर रहा हूँ। नीरा से भी बहुत अच्छा कमाई तुम कर सकता है। नीरा वो क्या होता है? नीरा तार के पेड़ से ही तो निकलता है, फलदार वृक्ष से भी निकलता है और बलरी वाला पेड़ से भी निकलता है। हाँ ईश्वर, श्याम सुंदर भैया ठीक है कह रहे हैं, अच्छा खासा कमाई तो नीरा में हो ही सकता है। नीरा से अच्छा खासा कमाई हो सकता है, इसमें नीरा भी तुम बेच लेगा, इससे पेड़ा भी बना लेके बेच सकता है, इसमें गुड़ भी बना करके बेच सकता है, साथ साथ इससे रसगुल्ला भी तैयार किया जा सकता है, उसको भी बना करके बेचेगा तो तुमको बहुत तरह के इनकम हो सकता है, और इस इनकम से बहाने से तुम्हारा समस्या को समाधान हो सकता है। ये सब तो ठीक है भैया, मगर नीरा बनाए कैसे? एकदम सही सवाल पूछा है तुमने ईश्वर, नीरा कैसे बनाया जाता है? तो मैं बताता हूँ नीरा कैसे बनाया जाता है। नीरा बनाने का एक तरीका होता है, शाम को बर्तन में चूना लपेट करके सूर्य अस्त होने से पहले उसको पेड़ पर चढ़ा दिया जाता है, और सुबह सूर्योदय से पहले उसको उतार लिया जाता है, वह नीरा कहलाता है। चलिए इस बार आज आपको हम नीरा बनाने के लिए सिखाते हैं। ये सब सामान कहाँ के लिए है श्याम सुंदर भैया? नीरा पेड़ से इकट्ठा करने के लिए कुछ सामग्री की जरूरत है। सबसे पहले मिट्टी का बना हुआ एक लमनी चाहिए, खाने वाला मरा हुआ चूना लमनी में लगाने के लिए चूने का लेपने के लिए किसी प्रकार के जाली या ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। चूने मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी और बर्तन का जरूरत होता है। देखिए ईश्वर, बर्तन में लेप करने के लिए सबसे पहले चूना का घोल बनाना होगा। श्याम सुंदर भैया की एक लमनी में लगाने के लिए कितना चूना चाहिए? एक लमनी में लेप करने के लिए लगभग 5 ग्राम चूना चाहिए। देखिए इस बार अब हम लमनी में चूने का लेप हम लगा रहे हैं। अच्छा भैया, लमनी में चूना क्यों लगाया जाता है? चूना को हम इसलिए लगाते हैं, यह जीवाणु उत्पन्न से रोकता है और नीरा से ताड़ी बनने का किण्वन विधि को बचाता है। देखिए ईश्वर, अब हम इस बर्तन में चूना लगा दिए हैं और इसको सूर्य अस्त होने से पहले इसको हम लगा देंगे पेड़ में, और सुबह सूर्य उगने से पहले इसको हम पेड़ से उतार लेंगे, और जो उसमें रस होगा वही नीरा है। देखिए अभी इस समय धूप है, धूप रहने के कारण इसको हम नहीं लगाएंगे, शाम होने पर इसको पेड़ में लगा देंगे और सुबह उसको सूर्योदय से पहले निकासेंगे, उतारेंगे, और उतारने के बाद उसके बाद हम फिर बताएंगे। ठीक है भैया।
नीरा सूर्योदय से पहले हमने उतरवा लिया है। अच्छा शमशुंदर भैया, सूर्योदय होने से पहले क्यों निकाला गया? सूर्योदय होने के बाद भी तो निकाल सकते हैं। सूर्योदय से पहले नीरा को हम इसलिए उतारते हैं, जैसे जैसे सूर्य का किरण नीरा में लगता है वैसे वैसे उसमें जीवाणु उत्पन्न होता जाता है। जब जीवाणु उसमें उत्पन्न होता है तो नीरा से रूप बदल करके ताई ले लेता है। हमने तो चूना लगाया था जीवाणु को रोकने के लिए। जब गर्मी बढ़ता जाता है तो चूना के प्रभाव का असर घटता जाता है, और जब असर चूना का प्रभाव घटता जाता है तो नीरा से ताड़ी का रूप बढ़ता जाता है। नीरा को उतार कर जितना जल्द हो ठंडा स्थान पर रख देना चाहिए। ऐसा क्यों भैया? इसलिए ठंडा स्थान पर रखते हैं कि उसमें जीवाणु उत्पन्न होने से उसे रोकता है। देखिए भैया, ये नीरा है, नीरा से हम क्या क्या चीज बनाएंगे इसके बारे में हमें बताता हूँ। देखिए भैया, मैं नीरा फ्लेवर बोतल पैकिंग करने के लिए सिखाता हूँ। नीरा बोतल पैकिंग करते वक्त क्या क्या सामग्री की जरूरत होता है उसे मैं बताता हूँ। सबसे पहले ये शुद्ध नीरा है। नीरा को पैक करने के लिए एक साफ बोतल, नीरा को चेक करने के लिए पीएच इंडिकेटर, ये रिफ्रेक्टोमीटर मशीन है। इस मशीन से नीरा में कितना ब्रिक्स पाया जाता है उसको हम जांच करते हैं। अच्छा, ये ब्रिक्स क्या होता है? ये मशीन हमें नीरा में कितना तत्व है उसको बताता है। ये लीची फ्लेवर है, ये बीकर है, ये ड्रोपर है, ये है साइट्रिक एसिड, ये है सोडियम बेंजोएट। सबसे पहले भैया नीरा को छानते हैं। देखिए भैया, नीरा को छानने के बाद इसको हम दो टेस्ट करते हैं, पहला ब्रिश नापते हैं और दूसरा पीएच नापते हैं। तो अभी हम इसका ब्रिश नापते हैं। सबसे पहले भैया एक बूंद नीरा को ब्रिश नापने वाला मशीन पर डालते हैं, उसके बाद इसको ढकते हैं। अब हम इसको इस तरह से देखते हैं, ब्रिश चेक करते हैं। इसमें 15 ब्रिज दिखाई दे रहा है। अब हम नीरा में कितना पीएच है इसको टेस्ट करेंगे। भैया ये दूसरा टेस्ट है? हाँ, ये दूसरा टेस्ट है। ये नीरा नापने वाला पीएच इंडिकेटर है, इसमें से एक निकाल लेते हैं और निकालने के बाद नीरा में डालते हैं। डालने के बाद इसका रंग बदलता है। देखिए भैया, ये 7 नंबर कलर के नीचे मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका पीएच 7 है। देखिए भैया, अब हम नीरा फ्लेवर बनाने का विधि बताएंगे। नीरा फ्लेवर बनाने के लिए सबसे पहले हम नीरा को छान लेते हैं, छानने के बाद उसको हम खौला लेते हैं गर्म करके। देखिए भैया, यह नीरा को हम गर्म कर रहे हैं। अच्छा भैया, ये गर्म का है किस लिए कर रहे हैं? जीवाणु को मारने के लिए ही हम गर्म करते हैं। देखिए भैया, ये अब गर्म हो गया है। अब हम नीरा को गर्म किया, गर्म करने के बाद इसको छानते हैं। गर्म करने के बाद दूसरा बार हम फिर छान लेते हैं, क्योंकि इसमें डस्ट न रहे। ये लीची फ्लेवर है, इसमें नीरा फ्लेवर में बनाने के लिए इसमें हम 1 लीटर नीरा में 10 से 12 बूंद तक डालते हैं। ये हमारा 0.5 लीटर नीरा है, इसमें 5 से 6 बूंद हम लीची फ्लेवर डालेंगे। इसको थोड़ा सा हम हिला देते हैं, इसमें हम ड्रॉपर से लीची फ्लेवर ले लिया। अब इसमें 0.5 लीटर नीरा है, 0.5 लीटर नीरा में 5 से 6 बूंद लीची फ्लेवर डालना है, तो देखिए डालते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बस ये हो गया। देखिए भैया, अब हम इसको मिलाएंगे।
देखिए भैया, ये अब लीची फ्लेवर नीरा हो गया, अब हम बोतल पैकिंग करेंगे। ये लीची फ्लेवर बोतल पैकिंग है, इसी तरह से बोतल में पैक करके अलग अलग फ्लेवर बना करके और बोतल पैक करके बाजार में भेजने बेचोगे तो तुम्हें अच्छा खासा इनकम होगा। अच्छा भैया, ये लीची फ्लेवर जो बनाए हैं उसको हम कितना दिन तक के रख सकते हैं? अगर हम फ्रिज में इसको रखते हैं तो 2 से 3 दिन तक आराम से हम पी सकते हैं। अगर हम 2 से 3 महीना तक रखना चाहते हैं तो इसमें प्रीबायोटिक डाल करके 2 से 3 महीना तक हम रख सकते हैं। ये साइट्रिक एसिड है, ये सोडियम बेंजोएट है। साइट्रिक एसिड 1 लीटर में 2 ग्राम मिलाना पड़ता है। और हमारा 1/2 लीटर है तो लगभग 1/2 चम्मच आएगा, 1 ग्राम आएगा। तो ये 1/2 लीटर है तो हम लोग इस चम्मच से 1/2 चम्मच से कुछ ज़्यादा ले लेते हैं तो लगभग 1 ग्राम हो गया। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला देंगे। ये हमारा सोडियम बेंजोएट है। सोडियम बेंजोएट नीरा में मिलाने के लिए 100 मिलीग्राम मिलाया जाता है। 1 लीटर नीरा में 100 मिलीग्राम मिलाया जाता है। इसको हमारे पास 1/2 लीटर है और 1/2 लीटर में हम 50 मिलीग्राम मिलाएंगे। इसमें नीरा में मिला देना। मिलने के बाद अब हम बोतल में पैक करके लगभग 2 से 3 महीना तक रख सकते हैं और इसको फ्रिज में रखना पड़ता है। अच्छा भैया, ये तो पीने वाला था, इसका अलावा क्या क्या नीरा से बना सकते हैं भैया? नीरा एक पेय पदार्थ, इससे हम कई प्रकार के सामान बना सकते हैं और बाजार में जाकर बेच सकते हैं और अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ा, गुड़, ताल मिश्री, चीनी इत्यादि बना सकते हैं। पेड़ा और गुड़ कैसे बनाते हैं? नीरा पेड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले दूध का खोआ तैयार करते हैं और नीरा का चाशनी तैयार करते हैं। दूध मान लेते हैं कि 3 लीटर हम दिया तो नीरा उसमें 1.5 लीटर देते हैं और 1.5 लीटर का चाशनी करते हैं, 3 लीटर का दूध का खोआ तैयार करते हैं। दोनों मिक्स करने के बाद, दोनों तैयार हो जाने के बाद दोनों को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करने के बाद उसमें थोड़ा सा इलायची 2-4 डाल देते हैं और उसको मिक्स करके सुखाते जाते हैं। सूख जाने के बाद जब कड़ा सा हो जाता है तो हम गोल गोल पेड़ा के आकार के बनाते हैं और 2-3 घंटा सुखाने के बाद हम पेड़ा तैयार देखते हैं। पेड़ा को इसी तरह सुखाना है और सुखाते सुखाते ये गुड़ बन कर के तैयार हो जाएगा। मैं भी इसी तरह बाजार में बना के बेचूंगा। ठीक है भैया, हम निकलते हैं। नमस्ते। तो इसका नीरा का जो पीएच होना चाहिए 7 से 8.5 तक और उसका ब्रिक्स रिफ्रैक्टोमीटर के माध्यम से हम लोग मेजर करते हैं तो उसका ब्रिक्स होना चाहिए 12 से 14 आइडियल जो होते हैं, स्टैंडर्ड माना जाता है। उससे नीचे और अबव दोनों कंडीशन में क्वालिटी कहीं ना कहीं वो डिटोरिएट होती है और फर्मेंटेशन के बाद ये चीज़ें डिटोरिएट होती है। तो ये बेसिक है और नीरा का बेसिक उद्देश्य था कि जो पासी कम्युनिटी के लोग थे, टैपर्स जो थे, जो उतारते थे ताड़ के पेड़ से जूसे, तो उनको एक सोशल सिक्योरिटी भी देना था। सोशल सिक्योरिटी इन टर्म्स ऑफ कि उनको कहीं ना कहीं लाइसेंस एक प्रोवाइड करना है, उनका हेल्थ इंश्योरेंस करवाना है
और उनको इनकम इन्हांस कराना है। इनकम इन्हांस नीरा का जो रेट होगा, क्योंकि ताड़ी अब तक वो बेच रहे थे तो दो चार घंटे में वो डैमेज हो रहा था, और इसके लिए सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। पूरे ताड़ के पेड़ का वैल्यू एडिशन हो रहा है इसमें, कि नीरा निकलेगा उसका इनकम ज़्यादा होगा, बॉटलिंग होके प्रोसेस होके पैक्ड होगा तो जगह जगह बिकेगा। और जो अब तक लोग थे जो एक दूसरे भावना से देखते थे, दूसरे एस्पेक्ट से देख रहे थे, नीच भावना से देखते थे ताड़ी उतारने वाले टैपर्स को, अब उनका सोसाइटी में एक अलग रिकॉग्निशन होगा, प्रोफेशनलिज्म आएगा, और उनके जो नीरा होगा उनको लोग पिएंगे, बच्चे से लेके बुजुर्ग एंड प्रेग्नेंट वुमेन्स, इसमें आयरन की मात्रा काफ़ी होती है, आमदनी बढ़ जाएगा परिवार का। और जो महिलाएं अब तक थी इससे जुड़ी हुई, खासकर महिलाएं अपने आप को काफ़ी इनसिक्योर फील करती थी, उनके घरों में जब ताड़ी लेने कोई आता था या मांगता था तो उसको एड्रेस हो गया। अब वो महिलाएं भी मतलब काफ़ी सहज महसूस कर रही हैं नीरा को सेल करने में। जो लोग लेने भी आ रहे हैं वो एक जूस के रूप में लेने आ रहे हैं, न कि कोई पेय पदार्थ के रूप में कि हाँ ये टॉक्सिक है ये, या फिर नशा के लिए पी रहे हैं इस तरह। तो टोटली नशा का जो पूरे बिहार में एक नशा मुक्ति का अभियान चला, सरकार ने बंद किया है, तो नीरा जब आ गया तो समझिए कि फुल नशाबंदी तभी संभव है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि लोग सोच रहे हैं कि ताड़ के पेड़ से जो हमारा ताड़ी उतरा था जिसकी वजह से बंद होने की वजह से हमारा आर्थिक नुकसान होगा, वैसा दीदी लोग ना सोचें और ऐसे पासी समुदाय ना सोचें, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि ताड़ के पेड़ से हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, उनका विभिन्न प्रकार के खाद्य हमने जिनके बारे में बताया, उनसे उनका जीविकोपार्जन में और वृद्धि होगा, उनका एम्पावरमेंट बढ़ेगा और अपना सशक्त आर्थिक कर सकते हैं। ताड़ के पेड़ से विभिन्न प्रकार के खाद्य बना करके उनके प्रोडक्ट को बना करके अपने जीविकोपार्जन को वृद्धि कर सकते हैं, अपने इनकम को बढ़ा सकते हैं और एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकते हैं।